बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में हटाए गए दुकानदारों को नहीं मिला न्याय। पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार। बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत उठाएंगे विधानसभा में मुद्दा। सात जुलाई 2013 को महाबोधि मंदिर परिसर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित कुल 58 दुकानों को तोड़कर हटा दिया था। तात्कालिक जिला पदाधिकारी द्वारा 58 दुकानों को बोधगया के दूसरे स्थानों पर दुकान बनवा कर देने का आश्वासन भी दिया गया था, परंतु घटना के 6 साल बाद भी अभी तक उन 58 दुकानदारों को दुकान नहीं मिल पाया। इस संबंध में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तात्कालिक जिला पदाधिकारी के आदेश को उनके निचले पदाधिकारी लागू नहीं किए जाने से सभी 58 दुकानदार घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनके सामने जीविकोपार्जन की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने 16 तारीख से शुरू होने वाले विधानसभा में इस मुद्दे को रखने की बात करते हुए कहा कि मंदिर में बम ब्लास्ट में जो भी थे वे पकड़े गए तो इसकी सजा यहां के स्थानीय दुकानदारों को क्यों? लोगों का जो मार्केट था हटा दिया गया, उन लोगों को अभी तक दुकान नहीं बना कर दिया गया है सरकार की तरफ से। भुखमरी के कागार पर हैं लोग, परेशान हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इसके लिए मैं कल ही अपने ईमेल से मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भेजी हूँ। उन्हें आग्रह की हूँ कि उन लोगों को दुकान दिया जाए, ताकि 5 साल से जो लोग सफ़र कर रहे हैं बोधगया के निवासी, जिनकी दुकान तोड़ दी गई है, 24 दुकानदार थे उसमें, वो लोगों के घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, रोजी रोटी की बात है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, उन्हें कहीं स्थायी जगह दिया जाए। और हमारे जिला प्रशासन माननीय DM से भी अनुरोध करूँगी कि वो गरीबों की बात सुनते हैं, मुझे आशा है कि वो इस कार्य में मेरा सहयोग करेंगे। मैं चाहूँगी कि डीएम महोदय हमारे इस आग्रह को स्वीकार करें और उन विशेष ध्यान देते हुए उनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था। कल 58 दुकान था उस कॉम्प्लेक्स। उन लोगों का क्या स्थिति है आज के डेट में? लोग कैसे हैं? जिसकी दुकान चली जाएगी, जिसकी रोजी रोटी चली जाएगी, उसकी स्थिति क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। उनके बच्चे, उनका परिवार कैसे परवरिश कर रहा होगा, ये तो वही जानते हैं। उन्हीं का दर्द है जो मैं आप सबों को बता रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहती हूँ कि ये बहुत तकलीफ देह है जो 5 साल से सफ़र कर रहे हैं। देखिए, ये बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और हम लोगों को बहुत कुछ याद है। जब बोधगया के, जिसको लाल पत्थर के नाम से हम लोग बाद में जानने लगे, लोग मंदिर के गेट के सामने जो मार्केट थी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जिनको मैनेजमेंट कमेटी के तरफ से वह मार्केट बना के दी गई थी। बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी की वह दुकान था और संजोग कही कि यहाँ पे एक बम ब्लास्ट हो गई। उसके बाद जो है सो उन लोगों को उजाड़ दिया गया। हम लोगों ने भी बहुत आग्रह किया कि बम ब्लास्ट जो है वो पकड़े गए बाद में, तो ये कोई स्थानीय लोग नहीं करते। बम ब्लास्ट अगर कोई टेररिस्ट आके करता हो और अगर आप स्थानीय लोगों को उजाड़ देते हो, तो ये सब चीज़ और सोच जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी का ही हो सकता है। और मैंने कई बार उनसे आग्रह भी किया कि भाई जो दुकान को तोड़ा गया है उसको आप कम से कम, आप यही कह कर के उनको विस्थापित किया गया था कि हम आपको अलग से दुकान बना के देंगे। नगर पंचायत ने सिक्योर किया था, जिलाधिकारी उस समय थे उन्होंने कहा था, SDO थे बाद में जब नई ट्रैफिक प्लान लागू हुई, लगातार 2 से 3 दिन बोधगया बंद हुआ, उस समय भी यह कहा गया था, एक शर्त रखी गई थी, उस समय गरिमा मैम थी, कुमार रवि जी कलेक्टर थे, उस समय भी यह कहा गया था
कि हम बना के देते हैं, स्थानीय MLA हो, नगर पंचायत हो, जगह बताइए। हम लोगों ने कई सुझाव दिए, लेकिन देखिए क्या है, मेरा अपना ये ओपिनियन है कि लोकतंत्र अब बचा नहीं, लोकतंत्र पूर्ण रूप से समाप्ति के कगार पे है। जिस राज्य में अफसरशाही हो, जिस राज्य में जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कोई कीमत नहीं हो, वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। हमने हजारों बार अवगत कराया कि ये गरीब भुखमरी के कगार पे हैं, ये पर्यटक स्थल है। सरकार को अपनी मंसूबा होनी चाहिए थी कि लगातार हर रोज किसी न किसी देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हर रोज किसी न किसी देश के राष्ट्रपति आते हैं, तो आप फुटपाथियों को अस्थाई व्यवस्था तो कर दीजिए। और जिस तरह से यह देश बेरोजगारी का मार झेल रहा है, चाय बेचने को लोग मजबूर हैं, फल बेचते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, तो आप डेली जिस तरह से डंडा आप चलाते हैं वो होना नहीं चाहिए। अब वो बेचारे जिनको आपने उजाड़ दिया, वो फुटपाथ पे चाय बेच रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा था विगत 20 से 40 वर्षों से, आपने उसको उजाड़ दिया, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बसाइए। 58 फिर अभी विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है 16 फरवरी से, और पूरी हमने डिटेल यहाँ पे लिया है, सारी कागजात, कब कौन सा कलेक्टर ने आदेश किया है, कब कौन सा जो है SDO ने इसको प्रयास, सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, और इस डॉक्यूमेंट्स के तहत हम सदन में जोरदार तरीके से रखेंगे। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि लोकतंत्र समाप्ति के कगार पे है। सदन में जो मैं बात रखता हूं, इसका पालन कौन करता? सरकार के निर्देश में जाता है, सरकार अधिकारियों को देता है, और हमेशा से अधिकारी सरकार को गलत तरीके से सुझाव पेश करते आए हैं। और फिर मैं सदन में बात को रखूंगा, फिर सरकार जो है गया के अधिकारियों को देगा, और फिर यहां से गलत रिपोर्ट जाएगा, और बेचारे जो उजाड़े हुए लोग हैं वह भूखे मरते रहेंगे। इस राज्य में किसी को कोई देखने वाला नहीं है।